सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है। भैया कब तक स्कॉलरशिप आएगी? ऐसे सवालों के साथ मतलब एक महीने से ज्यादा हो गया है जब मैं ऐसे सवाल डेली ऐसा होता है कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा सवाल आ ही जाए। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आ सकती है। लास्ट ईयर का मैं एग्जाम्पल लेके दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ में पिछले 2 से 3 सालों में कब तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, उससे पहले क्या होता है वो हम देखने बात करने वाले हैं हम कि स्कॉलरशिप आपकी कब तक आ सकती है। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे अक्टूबर में आपका एक त्यागराज स्टेडियम में इवेंट हुआ था जिसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, आई कार्ड में आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे ये बोला गया था कि आपका चेक वितरण समारोह होने वाला है जहाँ पे आपके अरविंद केजरीवाल सर और मनीष सिसोदिया सर आने वाले हैं, लेकिन आए वहाँ पे सिर्फ मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे नहीं आए थे। वहाँ पे हुआ क्या था कि स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फंक्शंस हुआ, प्रोग्राम हुआ। कुछ मेन जो स्टूडेंट्स थे हर कॉलेज के दिखाने के लिए उनको एक बड़ा सा चेक जो होता है डमी चेक वो स्टेज पर बुला के बांटा गया, लेकिन बाकी बच्चों को सिर्फ बिठा के वहाँ पे प्रोग्राम दिखाया गया और मनीष सिसोदिया जी ने कुछ स्पीच दी। उसके बाद आपके जो मनी था वो आया इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जैसे कि हर बार आता है आपका पैसा सीधा बैंक में आपका आ गया था 24 घंटे बाद जब वो इवेंट हुआ था। उसके दौरान ही मतलब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने पेमेंट करना, लेकिन धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज पिछली बार कोरोना भी कम था काफ़ी और इस बार तो बिल्कुल कोरोना का लगभग ख़त्म ही हो चुका है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इस बार भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको कॉलेज वालों की तरफ से फ़ोन आ सकता है कि आप इस तारीख को इवेंट हो रहा है त्यागराज स्टेडियम में या और किसी स्टेडियम में हो सकता है इस बार वो इवेंट करें, तो वहाँ पे आप जा। अब आपका क्वेश्चन ये आता है, लास्ट ईयर भी मैं फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं उस टाइम पे ये कंफ्यूज था कि अगर हम त्यागराज स्टेडियम में नहीं जाते हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉलेज की तरफ से टीचर्स की तरफ से ये बोला गया था कि वहाँ पे जाना कंपलसरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं गए थे उनको भी स्कॉलरशिप मिली है, जो गए थे वहाँ पे भी उनको भी स्कॉलरशिप मिली है। ऐसा कोई वो नहीं है कि वहाँ पे जाओगे तो ही स्कॉलरशिप मिलेगी, बट हाँ वहाँ पे जाने से आपको बस ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करा जाता है और उनको स्कॉलरशिप के नाम पे इसलिए बुलाया जाता है जिससे कि स्टूडेंट आ जाए और वो स्टेडियम भर सके। बिकॉज ऐसा अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर आ रहा है कुछ वहाँ पे स्पीच देना चाहता है स्कॉलरशिप के ऊपर, एक इवेंट हो रहा है और वहाँ पे पूरा की पूरा स्टेडियम खाली है। बिकॉज उनको दिखाना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसके इतने स्कॉलरशिप्स के चीज़ें चेक डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो उनको इसलिए स्टूडेंट्स को बुलाना है, भीड़ इकट्ठी करनी थी, दैट्स वाई वो ये बोलते हैं। पर हाँ इस बार ऐसा अगर होता है तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जा सकते हो चाहो तो ना जा सकते हो, लेकिन अगर आपने स्कॉलरशिप भरी है और स्कॉलरशिप भरी है तो आपका एक 15 से 20 दिन पहले एक लिस्ट भी आएगी जिसमें नाम लिखे होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, 100%, 50%, 25%, और उसमें ये भी लिखा होगा कि आपकी बैंक डिटेल्स यही है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सब यही हैं। आप एक बार उसे क्रॉस चेक करोगे और अगर कोई गलती नहीं है तो आप उसमें वेट करोगे, लेकिन अगर आप में उसमें कोई गलती निकलती है तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, मेल भी दिया जाएगा कि अगर आपकी कोई गलती निकल रही है वो जब लिस्ट आएगी तो मैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहीं सब जगहों पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो सो दैट आप मेरे से हर जगह कनेक्टेड हो जाओ और आपसे वो इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। वो इन्फॉर्मेशन आने वाली होगी, सितंबर स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप ये मान के चलो कि चेक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लास्ट ईयर हुआ था इस बार भी हो सकता है और आपका स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो करना, करो फिर। कैसे करते हैं तो उसके लिए आई कार्ड पर सारी डिटेल्स मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई है। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है, उसमें लाइव करके दिखाया था कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, आप दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हो। और स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किन किन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, वो सभी मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में और आई कार्ड में लगा दूंगा, आप जाके जरूर से चेकआउट करना। बाकी जानकारी के लिए आप चैनल पे रह सकते हो, आपने कॉलेज के रिव्यूज़ नहीं देखे हैं तो कॉलेज के रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, सारी जानकारी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना एक बार चैनल की। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।